आज जो मैं क्वेश्चन कंप्लीट करने वाला हूँ वो क्वेश्चन आपका 2020 में 100 का बी नंबर में आया हुआ है, पार्ट टू के पेपर में, और भी ईयर में आया होगा, आप देख लेना। मैं क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। इस क्वेश्चन में एक्स वन और एक्स टू रियल नंबर है और हमको एक्स एन का फॉर्म दिया हुआ और हमको एक्स एन को कन्वर्जन दिखाना है। अब आप लोग सोचोगे भाई एक्स एन का जो फॉर्म दिया हुआ, इस एक्स एन में अगर हम एन का हम रियल मान पुट करेंगे तो एक्स एन के अंदर कैसा कैसा एलिमेंट आएगा। अच्छा ठीक, इस सवाल को बनाने के लिए आपको पहले समझना होगा अरिथमेटिक में क्या होता है, समांतर माध्य। पहले हम लोग समांतर माध्य समझेंगे, ठीक, हम लोग बनाते हैं। पहले आप समांतर माध्य को समझो। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य आप ऐसे समझो, इसके दोनों, चार के दोनों ओर क्या है, दो है और सिक्स है, जो तो ये चार जो है दो और सिक्स को जोड़ के यदि हम दो से डिवाइड करेंगे तो हमको वही संख्या प्राप्त होगा। यही है मेरा समांतर माध्य, मतलब चार बराबर टू प्लस सिक्स बाय टू। सेम यही फंडा यहाँ पे लागू होगा। तो आप बताओ ए टू का मान क्या होगा? मैंने अभी तक बताया आपको कि इसके दोनों बगल जो भी नंबर है उसको जोड़ना है और उसमें किसे डिवाइड करना है, हमको दो से डिवाइड करना है, मतलब ए वन प्लस ए थ्री बाय टू। अच्छा ए फोर का मान क्या होगा? ए फोर के दोनों बगल क्या है, ए थ्री और ए फाइव। तो ए थ्री और ए फाइव को जोड़ेंगे और किसे डिवाइड करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे। अच्छा आप बताओ तो ए फाइव का मान क्या होगा? ए फाइव का मान होगा ए फाइव की इस साइड ए फोर और ए फाइव की इस साइड ए सिक्स, दोनों को जोड़ना है और इसमें किसे डिवाइड करना है, दो से डिवाइड। अगर आपने ए टू का मान निकाल लिया, ए फोर समझ लिया, इसके अंदर ए फोर कैसा है, ए फाइव कैसा है, तो ए एन कैसा एलिमेंट होगा, सोचो ए एन एलिमेंट कैसा होगा। ए एन के जस्ट पहले का एलिमेंट, ए एन के जस्ट पहले क्या आता है, ए एन माइनस वन, जस्ट बाद क्या आता है, ए एन प्लस वन। दोनों को सम करेंगे, अब इसमें किसे डिवाइड कर देंगे, दो से डिवाइड कर देंगे, मेरा निकल गया। बट यहाँ पे हमको x के फॉर्म में दिया हुआ है तो एक्स एन क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन प्लस वन बाय टू, जो कि मेरा ये दिया हुआ है फॉर्म। सेम फॉर्म मिल गया आपका, सेम फॉर्म मिल गया। तो हमको दिखाना है ये मेरा क्या है, कन्वर्जेंट। क्योंकि हमको एक्स एन को कन्वर्जेंट दिखाना है और मैंने आपको पहले बता दिया है कि किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हम दिखाते हैं कि वो सीक्वेंस मेरा बाउंडेड है। बाउंडेड कब होगा, जब वो सीक्वेंस या तो मेरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या फिर मेरा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अब आप कैसे जानोगे कि ये मेरा कौन सा सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और कौन सा सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है? अच्छा दो के जस्ट बाद का एलिमेंट क्या है, थ्री। यदि दो से तीन यदि मैक्सिमम होगा तो ये मेरा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। मेरे कहने का क्या मतलब, यदि ए एन के जस्ट आगे का एलिमेंट क्या है, ए एन प्लस वन, यदि ए एन प्लस वन मेरा मैक्सिमम होगा ए एन से तो ये मेरा क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम यही फंडा यहाँ लागू होता है। जैसे यहाँ पर ए एन के जस्ट आगे का एलिमेंट ए एन प्लस वन मैक्सिमम था तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ, सेम वही फंडा यहाँ पे होगा। ए एन के जस्ट आगे का एलिमेंट क्या है, ए एन प्लस वन, अगर वो कम होगा तो वो मेरा क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। चलो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। एक्स एन का ये वैल्यू तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, हम क्या किए, एन का मान तीन पुट किए। जब हम एन का मान तीन पुट किए तो मेरा ये कंडीशन आया। हम लोग पहले यहाँ पढ़ चुके हैं कि ए टू ए वन प्लस ए टू किसके बराबर था, ए वन प्लस ए थ्री बाय टू के बराबर था। जैसे ही ये कंडीशन मेरा होल्ड किया था तो ए टू जो है ए वन और ए थ्री के बीच में था। यहाँ पे वही कंडीशन यहाँ पे भी है, ए फोर किसके बीच में है, ए थ्री और ए फाइव के बीच में, ए थ्री और ए फाइव के बीच में ए फोर है। तो यहाँ पे भी क्योंकि यही कंडीशन यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है, एक्स थ्री इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू, तो इसका मतलब एक्स थ्री जो है मेरा एक्स वन और एक्स टू के बीच में है। मेरा तो ये क्लियर हो गया कि एक्स वन और एक्स टू के बीच में मेरा एक्स थ्री। अब ये सोचना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक्स वन से एक्स टू क्या है मेरा मैक्सिमम, इसका मतलब
एक्स वन इस साइड रहेगा, एक्स टू उस साइड रहेगा। मीन एक्स वन सबसे छोटा है, एक्स टू सबसे क्या है, मैक्सिमम। चलिए ये तो हम जान गए। एक्स थ्री का मान निकालने के बाद हम एक्स फोर का मान निकालते हैं। जब हम एक्स फोर का मान निकाले तो हम देखिए कि एक्स फोर जो है मेरा एक्स टू और एक्स थ्री के बीच में, मतलब एक्स टू और एक्स थ्री के बीच में कहीं पर एक्स फोर है। तो हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर एक्स थ्री कहाँ था, एक्स थ्री मेरा था एक्स वन और एक्स टू के बीच में, एक्स फोर एक्स थ्री और एक्स टू के बीच में, एक्स फाइव एक्स फोर और एक्स टू के बीच में होगा, एक्स एन माइनस वन और एक्स टू के बीच में होगा। उसी प्रकार हम ये सारा चीज समझ लिए कि मेरा एक्स एन कहाँ पे होगा, एक्स टू और एक्स एन माइनस वन के बीच में होगा। अब हमको जानना है ये सीरीज किस प्रकार का, क्या ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। हमने देखा यहाँ पर ए एन के जस्ट आगे का एलिमेंट ए एन प्लस वन, ए एन के जस्ट आगे का एलिमेंट ए एन प्लस वन यदि मैक्सिमम होगा तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग था। यहाँ पे भी एक्स वन के जस्ट आगे का एलिमेंट एक्स थ्री क्या है, मैक्सिमम है, तो ये क्या है मेरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेंस है। एक्स एन कैसा सिक्वेंस है मेरा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेंस। इसका मतलब एक्स एन मेरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेंस हो गया। जैसे वो मेरा एक्स एन मेरा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिक्वेंस हुआ वो मेरा बाउंडेड हो गया। अब कोई भी सिक्वेंस यदि बाउंडेड होती है तो वो मेरा कन्वर्जेंट होती है, इसलिए एक्स एन मेरा क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। जब हम एन को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तब एक्स एन मेरा लिमिट के बराबर होगा जो मैं आगे यूज करूँगा। ओके, हमको जो है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन का मान निकालना है। अच्छा, हमको इसका मान निकालना है क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स एन किसके बराबर है, एक्स एन माइनस टू प्लस एक्स एन माइनस वन बाई टू के बराबर है क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर एक्स एन माइनस वन जोड़ा इस साइड भी और इस साइड भी एक्स एन माइनस वन जोड़ा, एक्स एन माइनस वन पहले से था और एक्स एन माइनस टू था। अब आप बोलोगे भैया आपने यहाँ पर एक्स एन माइनस वन क्यों जोड़ा, तो मैं आगे बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया। अब यहाँ आप समझो हमको तो एल का मान निकालना है, मतलब हमको एन को जब हम इन्फिनिटी पर ले जाएंगे उस वक्त एक्स एन का क्या वैल्यू होता है, हमको वो मान निकालना है। चलो यहाँ पर तो एक्स एन है, मतलब जब हम n को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे उस वक्त हमको यहाँ पर एक्स एन का मान निकालना है। यहाँ पर लेकिन सब जो है मेरा n माइनस वन एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू सब इसी के आसपास का नंबर है, हमको कोई प्रॉपर मान तो निकलेगा नहीं, सब इन्फिनिटी के करीब, मतलब n के जो ये l के कांस्टेंट हो रही है इसी के करीब मान निकलेगा, तो कैसे मान निकाला जाए। अच्छा ये समझो आप जब हम एक्स एन में दो से गुना किए और इसको हम क्या किए इसमें जोड़ दिए, इसमें दो से गुना करके इसको जोड़े तो वो किसके बराबर हुआ, इसमें दो से गुना आप प्लस ये, ध्यान से समझना। मतलब जब हम एक्स एन में दो से गुना कर रहे थे और उससे जस्ट एक्स एन से एक कम एक्स एन माइनस वन जोड़ रहे थे उस वक्त क्या आंसर आया मेरा, इस एक्स एन माइनस वन में दो से मल्टीप्लाई हुआ और जुटा किया एक्स एन माइनस टू, फिर मेरा ये टर्म किसके बराबर होगा, इस टर्म जैसे जैसे यहाँ पर इस टर्म में दो से गुना हुआ था और इसके जस्ट पहले का टर्म जुटा था उसी प्रकार ये किसके बराबर होगा, इसमें दो से गुना होगा इसके पहले का टर्म जुटेगा, इसमें दो से मल्टीप्लाई की और एक्स एन माइनस टू से जस्ट पहले का टर्म जुट जाएगा एक्स एन माइनस थ्री, ये टर्म किसके बराबर होगा, इसमें दो से मल्टीप्लाई जस्ट एक्स एन माइनस थ्री से पहले का एलिमेंट जुट जाएगा, इसी प्रकार इसमें दो से मल्टीप्लाई इसके पहले का एलिमेंट जुटेगा, फिर इसमें दो से मल्टीप्लाई और ये जुटेगा,
मतलब ये जो संख्या है मेरा किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया। ध्यान से समझना, ये संख्या किसके बराबर हो गया? इसके बराबर। मेरा एक फाइनाइट वैल्यू निकला भाई, बहुत ही टेढ़ी खीर है, समझना है आपको। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब हम एन को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे उस वक्त जो है एक्स एन का वैल्यू क्या होगा? लिमिट के बराबर। एक्स एन में एक कम या एक अधिक, समझो वो लिमिट के ही बराबर मान लो, इतना कम का गैप होता है एक्स एन माइनस वन और एक्स एन के बीच में। इससे मेरा जो है एल का मान निकल गया, और एल किसके बराबर था? एक्स एन में जब हम एन को इंफिनिटी पर ले जा रहे थे उस वक्त एक्स एन का वैल्यू एल था, और एल का मान मेरा निकल गया 1/3 × 2x2 + x1, जिसका मान हमको निकालना था। कन्वर्जेंट और एल दोनों दिखा दिए। क्वेश्चन कंप्लीट।